एक जगह एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, जैसे कई चीज ध्यान में तो खैर वो तो बातें आती ही है, विचार सैकड़ों तरह के, तो वो तो कुछ आसन में बताऊंगा कभी आ जाए जी। पहले आप हल्का फुल्का आसन करेंगे ना, तब आपको फोकस करने आएगा। अच्छा, एक तो वो कीजिए, दूसरा क्या कीजिए कि पहले मोटे तौर पर, जैसे मान लीजिए पतली कोई वो है, पगडंडी है, उस पर चलिए। अच्छा, साइकिल चलाना जानते हैं तो उस पर साइकिल चलाइए। अच्छा अच्छा, हाँ पतली हो अधिक से अधिक, समझ रहे हैं, जितनी पतली होगी, क्योंकि ये अभ्यास से ही आएगा, जितनी पतली होगी ना उतना फोकस्ड रहेंगे, अंततः आप इधर हो जाएंगे, नहीं तो कुछ इधर के गिर जाएंगे। ऐसा बताइए जो बहुत जाना तो, ना पड़े कहीं, हम घर पे ही रहकर कर लें, इस तरह से कुछ ऐसा आसन या फिर क्रिया। हाँ तो ऐसा भी बता सकते हैं, तो इसके लिए आपको सुबह आना पड़ेगा ना। सुबह कितने बजे आना सही रहेगा? सुबह में देखिए 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप आ जाएँ। मैं 10-10:15 तक करता हूँ। अच्छा, तो कोई 9 बजे तक भी आता है तो 1-1.5 घंटे में और बता देता हूँ। तो हम 6 बजे आ जाएंगे। हाँ तो आ जाओ, मैं क्या करना, उधर से वहाँ से आने के बाद नाग तुम चला है इधर, अरे वहाँ मन दे जो भी क्या करना है वहाँ भी, वही शरीर का एक्सरसाइज जरूरी है। योगा में भी तो वही चीज़ होगा? नहीं, इसमें तो एक्सरसाइज और इसमें तो बहुत फर्क है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ये अलग ही चीज़ है। वो एक्सरसाइज तो शरीर से शुरू होता है, शरीर से नहीं ख़त्म होता है। ये शरीर से शुरू ही नहीं होता है, जान में लगता है देखने में कि शरीर से है ना, शरीर से नहीं है। इसमें सांस के ऊपर पूरा नियंत्रण करना पड़ता है। एक्सरसाइज करते समय आदमी को सांस पर नियंत्रण का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, वो खाली हाथ हिला रहा है, उसमें क्या है, सांस उसकी बड़े या घटे। हाँ, इसमें है कि सांस को काबू रखते हुए ही आपको सब करना है। सांस योग सांस जो है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। श्वास प्रश्वास जो है वो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि योग का मतलब ही एक्सरसाइज ही है, फिर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, समझ रहे, सांस पर कंट्रोल करना, इसमें पसीना नहीं निकलना चाहिए योग में। अच्छा, उसमें पसीना निकलता है एक्सरसाइज में, योग में पसीना, योग में पसीना नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, जो आसन वगैरह करते हैं उसमें निकलता है, आसन में निकल, आसन में भी नहीं, किसी में नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, अब मौसम ही कुछ ऐसा उमस जैसा हो जाए वो बात दूसरी है, उसकी वजह से निकल गया तो ऐसे अमूमन पसीना नहीं निकलना चाहिए आपको, उसे आराम से करना होता है बिना ज़्यादा स्ट्रेस किए हुए। तो मुख्य उद्देश्य है कि स्ट्रेस हार्मोन नहीं बनना चाहिए, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के भीतर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए आदमी थक जाता है एक्सरसाइज करने के बाद। आसन करने के बाद थकावट नहीं होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए। एक्सरसाइज में आदमी थक जाता है, एक्सरसाइज में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की खपत होती है। उसी तरह से स्पोर्ट्स भी है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है ना श्वास इस तरह से हम लोग लेते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का घटता जाता है, इसलिए ताजगी इसमें आती है, इसमें दुख और पीड़ा नहीं होता। एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें पीड़ा होती है, तो उसके इसमें बहुत ज़्यादा ही अंतर है। उसमें भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, बल्कि भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं उसमें। इसमें भावनाओं पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, उसमें तो हिंसा की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है एक्सरसाइज करें। हाँ, जो भी जिम जाते हैं आप देखेंगे कि वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद इधर उधर किसी को ढकेलते मारते चलते हैं, आजमाइश करते रहते हैं कि मेरे में कितना बल आया है। हाँ तो ये उसका इस तरह का उसका मनोविज्ञान होता है कि उसमें हिंसा की भावना बढ़ जाती है, क्रोध की भावना बढ़ जाती है। इसमें क्रोध पर काबू होता है, सारे भावनाओं पर काबू होता है।
रोज पे असल में पहले आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, अभी भी आता है लेकिन बहुत कंट्रोल हुआ है, यही सब जो जब से थोड़ा कोशिश करने लगे हैं। वो एक और हमारे हेड मास्टर साहब हैं, वो भी इसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं, वो इस तरफ प्रेरित किया हमको। अगर दूसरी चीज़ की थोड़ा जो नाक से सांस लेते हैं हम लोग, वहाँ ध्यान वन करने के लिए बोलते हैं, हमको ऐसा लगता है तब से कुछ क्रोध में कमी आई है हमारे। पहले बहुत ज़्यादा क्रोध आता था। जब श्वास प्रश्वास को हम साक्षी भाव से महसूस करेंगे, हर समय अनुभूत होता रहेगा, तो कुछ भी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा करते समय। तो हर समय तो नहीं, लेकिन ये जब वाली बैठते हैं, यदि कोई कुछ भी कर लेता है, हाँ। दो चार मिनट भी करता है, हाँ। तो जो कुछ भी नहीं करता उससे तो बेहतर हो ही नहीं गया, वो उससे तो काबू हो गया। जो अच्छे कलाकार होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं नाटक वगैरह या ऐसे अभिनय जहाँ भी करते सिनेमा वगैरह, तो उनका सांस पर बहुत काबू होता है, उसी से वो क्रोध की भी एक्टिंग कर लेता है, प्रेम की भी एक्टिंग कर लेता है, मारपीट की सबकी एक्टिंग कर लेता है वो, क्योंकि भीतर से ऐसा थोड़ी चाहता है वो, वो तो एक कला ना है। तो इसी तरह से अपने भावनाओं को कला के रूप में प्रसिद्ध जो कर सकता है, तो वह योगी हो जाता है। बाहर से दिखने में भले लगेगा उसी तरह से, जैसे फिल्म के कलाकार बाहर से देखने में लगता है कि सचमुच में मार देगा, लेकिन भीतर से तो है, तो वह करा है, तो उनका भी सांस पर काबू होता है, इसीलिए वैसा वो कर पाते हैं, तो वो भी एक तरह से योगी हो जाते हैं, एक्टर हैं। उनके भी माइंड को रीड करना आसान नहीं होता, क्योंकि भावना पर वे काबू पा लेते हैं। जो वेग होता है भावनाओं का वेग, या हम लोग के शरीर में कोई भी जो वेग है, ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, सब वेग को रोकने की वजह से है। यदि हम वेग को सहज रूप से प्रकट होने दें तो बीमारियां उतनी नहीं होंगी, लेकिन आदमी किसी मजबूरी में या किसी ऐसी ज़रूरत में या नज़रअंदाज करके, या उसको उस विषय में जानकारी नहीं है, इस वजह से भी तो कई लोग अपने वेग को रोक लेते हैं। जैसे भूख का वेग, भूख लगी तो आप उसको दबा दिए, अरे बाद में खाएंगे, पहले काम कर लें, तो इससे क्या होगा कि जब भूख का वेग आता है शरीर में, तो उस वक्त ही उसको भोजन चाहिए, अन्यथा वो जो है खुद को खाना शुरू करता है, जहर बनाने लगता है शरीर में। उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है पेशाब करने का वेग आया, तो पेशाब को कुछ लोग दबा देते हैं, थोड़ी देर के बाद किया जाएगा ऐसे, मतलब ऐसी इलाज की स्थिति है तो उस वजह से भी दबा देते हैं, हाँ बहुत लोग। तो उससे क्या होता है कि शरीर में जहर बनना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से टट्टी का वेग है, हाँ, उसी तरह से सेक्स का वेग है, किसी भी प्रकार का जो हम लोग के शरीर में जो वेग है, क्रोध का वेग है, चाहे भावुकता का वेग है, तो ये सब सारे जो वेग हैं, ये सब जब दबा दिए जाते हैं तो वो जहर उत्पन्न करते हैं, उसी से शरीर में रोग होता है। तो वेग जो है ना बहुत सूक्ष्म इंडिकेशन देता है, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपके शरीर का एक वेग आएगा जो इंडिकेशन देगा, कहेगा कि अब मत खाओ, हाँ। लेकिन आदमी अगर कोई स्वादिष्ट भोजन है या किसी ने ज़्यादा प्रेस किया, हाँ, तो खा ले, ज़्यादा ठोस देता है, बस उसको रोग हो जाएगा, कोई ना कोई उसको बीमारी हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। शरीर सदैव संकेत देता है, तो अपने वेगों का शरीर संकेत देता रहता है, उन वेगों का अध्ययन तभी आदमी कर सकता है जब उसका सांस पर नियंत्रण हो, जब सांस को साक्षी भाव से देख रहा हो, महसूस कर रहा, तब जो है उसको समझ में आ जाता है कि हमारा शरीर अब मुझे यह संकेत दे रहा है। तो वेगों को समझना यह भी योग की एक कला है। तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं आदमी को, कब पानी पीना चाहिए, कुछ लोग बहुत पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीने वाला बहुत जल्दी बूढ़ा होकर मरता है, कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं,
वे भी परेशान होकर जीते हैं, उनका भी खून गाढ़ा हो जाना से, तो दोनों तरीके से जो है दोष हो जाता है। ये ज़िंदगी एक संतुलन की तरह है, जब ज़्यादा आप कुछ लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, कम लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए शरीर सही चीज़ का इंडिकेशन देता है और सही टाइम का देता है। उसी तरह नींद का वेग है, एक समय नींद का झोंका आता है, उस वक्त यदि आप सो जाएंगे तो शरीर संतुष्ट हो जाएगा, अन्यथा अगर दबा दिए नींद को और कुछ काम करने लग गए तो उसके कारण जो है कुछ ना कुछ जहर बनेगा और शरीर में विकार हो जाएगा। तो जितने भी विकार हम लोग के होते हैं वो विवेकों को नहीं समझ पाने की वजह से या उनको दबाने की वजह से होते हैं। तो जब आप ध्यान साधना करेंगे ना तो आप विवेक को समझने लगेंगे और उसे सही समय में उसका सही उपयोग कर सकते हैं। ध्यान भी एक साधना है, ध्यान भी एक साधना है। साधना तो बहुत उसका बड़ा क्षेत्र है, उसमें ध्यान भी एक है। मंत्र साधना, जो साधना का अर्थ हो गया कि मैं अपने को सिद्ध करने के लिए यानी किसी चीज़ में पूर्ण हो जाने के लिए जो प्रयास करने हैं उसको प्रयास करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे संकल्प के साथ और सही दिशा में, सही निर्देश में वो करते हैं, तो वो साधना कहलाती है। अब कोई अगर बालू का रेत से सोचे तेल निकालें पेरने लगे तो परिश्रम तो बहुत कर रहा है लेकिन तेल नहीं निकलेगा, दिशा सही नहीं है उसको, उसका उसके विषय में जानकारी नहीं, तो वो साधना नहीं हुई। ऋण का तेल से अगर हम ऋण के बीज से तेल निकालने की कोशिश करें तो वो साधना है। तो कार्य कारण का संबंध भी आदमी को पता होना चाहिए। सिर्फ जो है लेबर करने से ही नहीं होता है, इसीलिए मजदूर जो है मजदूरी करके अमीर नहीं बनता। मजदूरी करना ही पर्याप्त नहीं है पैसे कमाने के लिए, अधिक पैसे कमाने हैं तो सही डायरेक्शन में एनर्जी लगनी चाहिए, नहीं तो लेबर वेस्ट होता है। तो साधना भी इस तरह का लेबर है, उसको सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो बहुत फल देगा और उल्टा पुल्टा लगाएंगे तो बस वेस्ट होगा। उसमें से एक ध्यान साधना भी, जैसे मंत्र साधना है, तंत्र साधना है, राजयोग है, बहुत सारी साधना है, भक्ति साधना है। तो अपने स्वभाव के अनुकूल व्यक्ति को चुनना चाहिए।